से कहा था कि आपको प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ने के आना है। इसके लिए मैं आपको वीडियो भी शेयर किया था। किस किस ने देखा वीडियो? जिनके लिए किया था उन्होंने नहीं देखा? चलिए दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने पास एक चालक है, क्या है? एक चालक। इसको यहाँ पे लकड़ी के स्टैंड पे खड़ा कर रहे हैं ताकि इसका चालक का जो आवेश है वो पृथ्वी में आ जाए। कहाँ आ जाए? तो जैसे अगर इस चालक का सेप जो साइज है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो स्थिर है, वो क्या है? तो जैसे जैसे आप इसको आवेश देते जाएंगे, इसका जो विभव है, प्रयास, वो बढ़ता जाएगा। तो जितना ज़्यादा आवेश आप इसको देंगे, उतना ज़्यादा इसका विभव बढ़ता जाएगा। एक बात, अब चलिए आवेश इसका विभव है। अब अगर हम इसके पास कोई ऐसे नॉर्मल सा चालक जिसपे कोई आवेश नहीं है, जिसपे कोई आवेश इसके पास लेके आए, तो इसके विभव को कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप समझ रहे हैं कल की बात? समझ रहे हैं? अगर बाल्टी में पानी भर दिया है बढ़िया सा, है ना, और पानी में लेवे बढ़ गया है, अब बाजू में खाली बाल्टी लेके आओ तो उसको क्या लेना देना है ना? बाल्टी अलग चीज़ है, लेकिन स्थिर वैद्युत अलग चीज़ है। तो अभी मैंने बोला कि एक चालक है, इसको हमने आवेश दिया है जिसका इसका विभव क्या हो गया है? बढ़ गया है। कुछ विभव इसका बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आवेश दोगे तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल बढ़ेगा। बल बढ़ेगा तो बल के विरुद्ध कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा। जितना तगड़ा बल है उतना विरुद्धपन करना पड़ेगा कार्य। मम्मी का बल है तो थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, पापा का बल है तो फिर सोचेंगे कर सकते हैं कि नहीं। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा बल है उतना बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, आवेश देते जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, विरुद्ध बल बढ़ता जाएगा तो विरुद्ध कार्य भी बढ़ता जाएगा। नॉर्मल सी बात है। प्रश्न यहाँ पे ये उठ रहा है कि अगर इसके पास में हम कोई अनावेशित, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, ऐसा एक चालक लेके आए तो क्या इसके प्रभाव को कोई फर्क पड़ेगा? अभी तो हमारे लोग ये कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक हम बाल्टी में ही घुसे, बाल्टी से बाहर ही निकले। ठीक है, तो अगर कल सर ने बोला है कि स्थिर वैद्य पढ़ के प्रेरण पढ़ के आना है तो कुछ ना कुछ मतलब होगा, केवल स्टाइल को नहीं बोल देते। तो सबसे पहला बोलेंगे अनावेशित चालक क्या है, तो कोई भी चीज़ अनावेशित क्यों है? जबकि हर चीज़ है पदार्थ, अणु, अणु के अंदर परमाणु, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। तो कोई भी चीज़ अनावेशित कैसे हो सकती है? आज हम कुर्सी की बात करें तो कुर्सी में धनावेश भी है और तो ये अनावेशित क्यों होगी? क्योंकि जितने कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नाभिक में प्रोटॉन, तो धनावेश का प्रभाव जो प्रोटॉन निकाल रहा है और ऋणावेश का प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो यहाँ पे एक मॉडल है जिसको आवेश का द्रव्यमान केंद्र का मॉडल बोलते हैं। उसमें ये बोलते हैं कि भले जो धनावेश है, जो प्रोटॉन है, वो कहाँ पे? नाभिक में, पर उसका प्रभाव पूरे परमाणु में है। यह चुम्बक यहाँ रखो तो उसके चारों ओर उसका प्रभाव रहता है कि नहीं रहता है? तो धनावेश के प्रभाव को हम एक बिंदु पर केंद्रित मान लेते हैं, जिसे हम धनावेश का द्रव्यमान केंद्र। सपोज आपका कार्बन का अणु है तो आपके 6 धनावेश के द्रव्यमान केंद्र होंगे। कितने होंगे? 6। अब कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 6 काय के होंगे? ऋणावेश। तो जब अपन बोलते हैं कोई चालक अनावेशित है या कोई वस्तु अनावेशित है, तो हम असल में ये बोल रहे होते हैं कि उसमें धनावेश के और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र क्या हो गए हैं? संपाती, जिसके कारण धनावेश और ऋणावेश अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रहे हैं। एक बात समझ गए? ये बात मैंने 10 बार बता दी है, मैं तो खुद पढ़ जाता हूँ, बता फिर भी बच्चे कुछ नया है तो थोड़ा बहुत समझ में आए। तो कोई चीज अनावेशित क्यों है? क्या उसमें धनावेश नहीं है? है। क्या उसमें ऋणावेश नहीं है? हर चीज में, पदार्थ में अणु है, अणु में परमाणु, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, तो हर चीज में ऋणावेश, हर चीज में धनावेश। बस क्या है? जितना धनावेश है उतना एक दूसरे प्रभाव क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है। समझ गए? तो अब जैसे ये एक अनावेशित चालक है, ये क्या है? एक इसमें अभी धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र कैसे हैं? संपाती। लेकिन बच्चों जब आप इसको इसके पास लेकर आएंगे, इसके पास लेकर आएंगे रोहित, तो ये करेगा क्या कि सारे ऋण को अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित। तो यहाँ पे प्लस माइनस अभी कैसे हैं? संपाती। अब क्या होगा? सारे ऋण इस तरफ आ जाएंगे और सारे धन प्रतिकर्षित होकर उस तरफ और दूर चले जाते, लेकिन आपको रास्ता नहीं है, आवेश को चलने के लिए चालक चाहिए। तो चालक है तो सारे ऋण इस तरफ आ गए, सारे प्लस कहाँ आ गए? इस तरफ। तो अब क्या है कि ये निकटवर्ती सिरे को, मतलब पास, इसके पास वाले सिरे पर क्या आ गया? ऋण आवेश। ये ऋण आवेश इस धनावेश के विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा? कम करेगा। अगर विद्युत क्षेत्र कम होगा
तो बल भी कम लगेगा, विरुद्ध कार्य भी क्या होगा कम, तो कुल मिला के विभव भी क्या होगा कम होगा। समझ में आया? तो कोई नहीं सोच सकता कि भरी बाल्टी के पास खाली बाल्टी लाने से उसका विभव गिर जाएगा। इसमें बाल्टी नहीं मान सकते आप, इसमें आपको रियल कंसेप्ट ही समझना होगा कि अगर हम एक आवेश चालक के पास एक अनावेश चालक लेके आएंगे तो स्थिर वै इस क्रिया को बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। ये पढ़ा चुके हैं इस क्रिया को क्या बोलते हैं स्थिर वैद्युत, ये क्रिया पढ़ा चुके हैं। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण का निकटवर्ती सिरे पर क्या आ जाता है विपरीत आवेश, अगर यहाँ धन है तो यहाँ क्या जाता है ऋणावेश। तो ये ऋणावेश जो है इसके धनावेश के विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है कम कर देता है, जिस कारण विभव में भी क्या हो जाती है कमी। ज्यादा बात ना करें और बलमल की तो विद्युत क्षेत्र कम हुआ तो विभव में भी क्या हो जाती है कमी। तो हम विभव को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, कल हमने दो कारक पढ़े आवेश की मात्रा और पृष्ठीय क्षेत्र पढ़ा, आज हम तीसरा कारक पढ़ रहे हैं एक अनावेश चालक की उपस्थिति। जी हाँ, अगर एक आवेश चालक के पास कोई अनावेश चालक आ जाए तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा गिर जाएगा, उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा कम होता है वो बात अलग कैसे जाए कि थोड़ा सा कम होता है ये वो बात की बात है, लेकिन कम तो होगा चाहे थोड़ा सा चाहे ज्यादा। तो मतलब अगर किसी चीज पे आवेश और आप ही उसके पास आ रहे हैं, आप खुद एक चालक हो, आप खुद क्या हो एक चालक, चालक समझते कंडक्टर दोनों चीज दिक्कत कर रही है ठीक है। तो खुद आप में प्रेरण हो जाए खुद उसका प्रभाव क्या हो जाएगा गिर जाएगा ठीक है। तो हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे जिसका नाम है अनावेश ठीक है। सभी देखिए आखिरी चीज है चालक के चारों ओर का मान, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे एक चीज और निकली जो हम आपको समझाएंगे, आखिरी चीज क्या है चालक के चारों ओर का माध्यम। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चालक के चारों ओर अगर माध्यम है तो विद्युत क्षेत्र को कम कर देता है। क्यों कर देता है वो मैं समझाऊं। सपोज आपके पास एक बैटरी है और उस बैटरी से आपने इसको प्लस दे दिया और इसको क्या दे दिया माइनस, ठीक है। तो बेटा वर्तिका बैटरी का काम ही ये है कि इन दोनों के बीच क्या उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र। ये प्लस आ जाएगा यहाँ माइनस, प्लस से माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा वर्तिका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा विद्युत। आप यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस से माइनस क्या रहेगा तुम्हारा विद्युत। ये तुम्हारे विद्युत क्षेत्र की क्या है दिशा है। अगर इसकी तीव्रता निकालें तो भी बहुत सरल है, वोल्टेज बैटरी पर लिखा रहेगा रोहित, मान लो 1.5 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है 1.5। एक एग्जाम्पल है, इतनी कम होती नहीं है, अपन जो 100 वोल्ट ले रहे हैं, 100 वोल्ट की बैटरी है ठीक है। और ये दूरी जो है ये दूरी मान लीजिए 2 मीटर, ज़्यादा हो गई पर चल जाएगी, कितनी है 2 मीटर। तो विभव बराबर तीव्रता गुणित गए दूरी, विभव बराबर बताया सो तुम, विभव बराबर तीव्रता गुणित गए दूरी, बताया था कि नहीं बताया था। ये E बराबर dV/dx ने अपन को सरल किया था कि अगर वोल्टेज स्थिर है तो सीधा आ जाएगा विभव बटे दूरी, तो तीव्रता बराबर विभव बटे दूरी। तो 100 वोल्ट का वोल्टेज है और दो दूरी है, तो 50 वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता ये प्लेटों के बीच ले आएगा, इतनी नॉर्मल सी बात है। तो इसने यहाँ पे तीव्रता ले आई। अब अगर कोई आप पड़ा वैद्युत माध्यम यहाँ पे भरते हैं, क्या भरते हैं पड़ा वैद्युत माध्यम आप भरते, तो तीव्रता कम की कम होनी है। क्यों होनी कैसे होनी इसको समझें कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कोई भी पानी भर दिया, कांच का टुकड़ा ही रख दिया, क्या रख दिया, तो कांच के टुकड़ा है तो भाई पदार्थ, और पदार्थ मिला है अणु से अणु परमाणु से, मतलब उसमें भी धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र क्या होंगे संपाति होंगे। तो अब ऐसे में जब यहाँ पर कौन सा आवेश प्लेट थे प्लस और यहाँ कौन सा है, और प्लस से माइनस अपना क्या है विद्युत क्षेत्र, तो जब दोस्तों आप यहाँ पे प्रेरण होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और दूरदर्शी सिरे पे क्या आ जाएगा प्लस। तो अब इसने खुद अपने अंदर क्या बना लिया है एक विद्युत क्षेत्र। पड़ा वे तो बेपदार्थ है जो विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते, पर अपने अंदर क्या उत्पन्न कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो ये अंदर का जो विद्युत क्षेत्र ये भी कैसा होगा प्लस से, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और ये विद्युत क्षेत्र है दोनों प्लस से माइनस, पर ये इस दिशा में और ये इस दिशा में। तो अगर ये मान लीजिए आपने कितना निकाला 50, और मान लो एक एग्जांपल के लिए 40 भी निकला, तो 50 इस दिशा में 40 बचा कितना 10 बचा क्या कितना 10। समझ में आई बात कि नहीं है, नहीं आई तो होता क्या है बच्चों, एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि ये कम करता है, ये क्या करता है विद्युत क्षेत्र को कम करता है, 50 था कितना कम कर दिया 10, मतलब 50 था बचा कितना 10, तो अगर अपन भाग रहे हैं तो 5 गुना कम कर दिया, कितने गुना कम कर दिया 50 यहाँ था 40 अंदर उत्पन्न कर लिया, 50 में से 40 कितने 10, तो 50 में 10 कितने गुना कम कर दिया 5 गुना कम कर दिया।
ये जितने गुना कम करता है, कांच कितने गुना करता है, पांच, ये बता चुके हैं, कांच कितने गुना कम करता है, पांच गुना। तो जितने गुना कम कर दिया, ये जो पांच गुना कम कर दिया, इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युत का अंक, मतलब जो भरा है बीच में, कांच भरा है, इसको बोलते हैं परावैद्युत। उसका अंक कितना है? पांच। पांच क्यों है? क्योंकि वो बल को, तीव्रता को पांच गुना कम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, अगर पानी भर दो तो पानी बल को 80 गुना कम कर देता है, तीव्रता को 80 गुना कम कर देता है, समझ पा रहे हैं? और अगर आप केरोसिन या मिट्टी का तेल भरें तो उसको दो गुना, मतलब आधा कर देता है। क्या कर देता है? आधा। सरल तरीके समझने के लिए आपको समझना होगा कि मान लीजिए वायु में ये है 1/4π0qr2, तो बस अगर अपन को माध्यम में निकालनी है, क्या निकालनी है, मतलब ये गणना करने, मान लो ये 80 आ गया, क्या आ गया, तो बस तुम्हें अगर पानी में निकालना है, इस सूत्र में काय का भाग देना पड़ेगा 80 का, तो 80/80 कितना बचेगा? 1। और कांच में निकालना है तो काय का भाग देना पड़ेगा? केरोसिन में निकालना तो 2। मतलब वायु में जो तीव्रता होती है उसी में क्या करते हैं अपन? भाग देते हैं। क्या देते हैं? ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन क्या है, बार 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 यूज होती है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि चार चार दिन क्लास लगाई है मैंने केवल पढ़ा वैद्युत विद्युतशीलता इन टॉपिक को समझाने के लिए, जो बुक में दिए तक नहीं है अच्छे से, लेकिन अब क्या कर सकते, कोई लेट आए, कोई जल्दी आए, अपना काम समझा, अब किसी को समझ में आए होगा। तो ये परावैद्युतांक मतलब के, जिसको कैपिटल के बोलते हैं, ये है क्या असल में? कुछ नहीं, ये एक अंक है जो ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने गुना कम हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? केवल के क्या है? एक अंक है जो ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने गुना कम हो जाएगी। मतलब अगर दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? 80। और अगर बीच में पानी भर दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 80 गुना कम हो जाएगी। क्या बचेगी? 1 बचेगी। लेकिन वहीं अगर आपने कांच भर दिया तो 5 गुना कम हो जाएगी, 16 बचेगी। और अगर आपने केरोसिन भरा तो आधी हो जाएगी, 40 बचेगी। समझ गए? तो ये कहना था परावैद्युतांक। अब बच्चों, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो रही है तो निश्चित ही बल भी कम होगा, और बल कम होगा तो बल के विरुद्ध कार्य भी कम करना पड़ेगा, और अगर कार्य कम होगा तो विभव भी कम होगा। कौन सा? आप भी जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अवधारणा से ही विभव की अवधारणा निकाली है। तो जैसा जैसा विद्युत क्षेत्र होता है वैसा वैसा विभव होता है, तो जिससे निकाल लिया कि उनको अदिश राशि की बातें करने में क्या लगे? आसानी। वरना काम को अपना विद्युत क्षेत्र, अगर पहली क्लास में आप आए हैं, आए हैं, उसमें बताया था काम तो विद्युत क्षेत्र से भी बढ़ता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, बाकी जो प्रभाव को निर्धारित करने वाली राशि है, दाब है ना, ताप है, सब अदिश है, तो उन्होंने एक नई राशि निकाल ली। तो बहुत समझ में आया बेटा? तो अगला अपना टॉपिक है कि चालक के चारों ओर कोई माध्यम भर दें, क्या भर दें? तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पानी भरने से 80 गुना कम हो रही है, तो प्रभाव भी कितने गुना कम होगा? 80 गुना ही कम होगा। कितने गुना कम होगा? 80 गुना ही कम होगा। सेम टू सेम प्रोपोर्शन है ना। तो यहाँ पे हम इस बात को समझेंगे कि यदि हम चालक के चारों ओर क्या भरते, कोई माध्यम, तो मान लीजिए कि वायु में विद्युत विभव है 1/4π0qr, ये आपका वायु में विद्युत विभव है, ठीक है। अब हम यदि चालक के चारों ओर वायु की जगह पानी भर दें, क्या भर दें? तो पानी में जो विभव होगा वो होगा 1/4π0qr, ये रहेगा। बस 80 का क्या कर देना? भाग कर देना, ताकि ये 80 का भाग चला जाए और तक कम हो जाए, समझ गए? और अगर अपन केरोसिन भरेंगे तो काय का भाग करेंगे? 2 का। और कांच भरेंगे तो काय करेंगे? 5। तो व्यापक रूप से अपन क्या लिख देते हैं? के, कि भाई के परावर्तन वाला माध्यम भरा तो हम काय का भाग दे देंगे? के का। थोड़ा समझने वाली बात है, V' / V इज इक्वल टू, V' क्या है बेटा? 1/4π0kqr, ये अपन उल्टा करते हैं, V/V' इज इक्वल टू 1/4π0 q/r, ये सब क्या हो गए? एंसर k कहाँ पहुँच गया? ऊपर, V/V', वायु में विभव बटे माध्यम में विभव बराबर k। इसको यहाँ ले आऊँ, V/K = V', ये समझ में आया? या लिख सकते हैं V' = V/K। तो जो नया विभव है, पुराने विभव में काय का भाग चला गया? K का। इससे वो क्या हो गया? कम हो गया। तो कुल मिला के शॉर्ट की बात ये है कि अगर हम चालक के चारों ओर कोई माध्यम भर दें तो उसका विभव कम हो जाता है, और अगर एग्जैक्टली पता करना है तो 1/K गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/K गुना लिखा तो कम बढ़ नहीं लिखना, फिर उसी लिखना 1/K गुना, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? K इनवर्स गुना। क्या लिख सकते हैं? K।
नशे को जाएगी, कल टेस्ट मिलेगा।